हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभी एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, जो आपने शायद ही सुना हो। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और इसमें कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि ये स्कैम में क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो मेरी पुरानी वीडियोज को जरूर देखें और उस पर लाइक का बटन हिट करें। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कर देना बाद में, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो गाइज, सबसे पहले हम स्कैम का एक मीनिंग समझ लेते हैं। स्कैम वो चीज है जिसको भी आपने यूज किया है। तो गाइज, स्कैम का मीनिंग समझ लेते हैं। स्कैम का मीनिंग होता है कि किसी को भी चीट करना। जैसे आपने मेरे से 10 रुपए ले लिए और वही 10 रुपए आपने आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कहीं खर्च कर दिए, कहीं उस चीज का कुछ और इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आपने वो 10 रुपए मुझे वापस नहीं दिए, तो ये मेरे साथ चीटिंग हुई। और ये होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैम। तो यही स्कैम होता है, और यही स्कैम हुआ है 2003 में, जो आज तक के वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। स्कैम अभी ये स्कैम है कि नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन सारी सुन लीजिए। 2003 में FBI 44 ईयर्स ओल्ड एक मैन को गिरफ्तार करती है, एंड्रयू कार्लसन उनका नाम था। स्क्रीन पे नाम चढ़ रहा होगा, आप पूरा नाम आराम से पढ़ के इसको गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और इस आदमी को इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि इसका मानना था कि मैं फ्यूचर से आया हूं। अब फ्यूचर से आए ये तो ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं फ्यूचर से आया, देन ठीक है, बट इस बंदे ने $800 इन्वेस्ट किए थे। $800 इन द सेंस की $800 या 800 रुपए, अगर आप इंडियन करेंसीज के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज्यादा होता है, बट अगर हम ऐसे ही इमेजिनरी ले तो 800 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो आपको उसको $350 मिलियन बन चुका था। इसने $800 इन्वेस्ट किया और $350 मिलियन वो बन चुका था सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के टाइम में। तो बहुत सारे लोगों को लगा ये इनसाइड ट्रेडर है, कि ये अंदर अंदर का माल खींचता होगा, और बहुत सारी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी इसके पास जो कि हमें अभी तक नहीं पता। तो FBI ने इस बंदे को अरेस्ट किया। तो इसके कन्फेशन में ये आया कि मैं भाई फ्यूचर से आया हूँ और मैं 250 साल जी चुका हूँ, तो मुझे सब पता है कि ये स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इसने अपने पैसे कैनेडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे 2003 में, जो कि 2 हफ्तों में ही $350 मिलियन बन चुके थे, और अभी तक ये स्कैम सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। तो FBI ने जब इसे अरेस्ट किया, जो जब इसकी कोर्ट की हेयरिंग थी, तो किसी को नहीं पता ये बंदा कहाँ गया, ये बंदा अभी कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, क्या कर रहा होगा, अभी तक ये किसी को नहीं पता। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये स्कैम सही स्कैम है, या उसने अपना दिमाग लगाया, या तो फिर उसकी एक लक था उसके पास जो जिसने उसको यहां तक पहुंचाया। प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए, जो पाया उसमें खोना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।